सभी गुरुग्राम वासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर महावीर प्रसाद जैन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव ब्रांच का प्रेसिडेंट इलेक्ट, आपसे कोरोना वायरस की इस महामारी के बारे में कुछ मेडिकल फैक्ट्स साझा कर रहा हूं। इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के इस इन्फेक्शन की महामारी के चपेट में है। सभी देशों की सरकारें अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रही हैं। हमारी भारत सरकार एवं राज्य सरकारें भी अपनी पूरी शक्ति एवं संसाधनों से इस महामारी का मुकाबला कर रही हैं। चूंकि इंसानों में ये इन्फेक्शन एकदम नया है, इसलिए सभी डॉक्टर व वैज्ञानिक इसके इलाज की खोज में लगे हुए हैं। भारत के काफी राज्यों में, काफी शहरों में लॉकडाउन हो गया है। रेल, बस सेवा, मेट्रो सेवा बंद है। आप सबसे अनुरोध है, अनावश्यक सड़कों पर, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर भीड़ ना करें और भीड़ से बचें। सभी लोगों से मेरा आईएमए गुड़गांव की तरफ से अनुरोध है कि सिर्फ बहुत जरूरत होने पर ही आप अपने घर से बाहर निकलें। बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों को ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी व बहुत सीरियस हो सकता है। इन सब की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों को पहले से कोई दिल की बीमारी, कोई श्वास संबंधी बीमारी, कोई कैंसर, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां हैं, या कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन लोगों को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को यह इन्फेक्शन घातक सिद्ध हो सकता है। कुछ चीजों का जरूर ख्याल रखें, जैसे कि भीड़ ना करें, भीड़ में ना जाएं, भीड़ का हिस्सा ना बने, अपने हाथ बार बार साबुन, पानी या सैनिटाइजर से साफ करें, अपने मुंह, आंख, नाक को अनावश्यक ना छुएं, हैंड शेकिंग, हगिंग या डायरेक्ट इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट से बचें, किसी भी कोरोना ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में ना रहें, अगर हैं तो तुरंत सरकारी अस्पताल में संपर्क करें व अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। अगर आपने किसी कोरोना ग्रस्त देश की पिछले 2-3 हफ्तों में यात्रा की है या आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो आपको सेल्फ आइसोलेट करें और अस्पताल में रिपोर्ट करें। सावधान रहें पर पैनिक ना करें, अफवाहों से बचें। पूरा चिकित्सा जगत, प्रशासन व हमारे अन्य सहायक कर्मी आपकी सहायता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सबसे अनुरोध है कि डॉक्टर के पास आपकी रेगुलर विजिट्स हो सके तो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करें, पर आप अपनी दवाई ना छोड़ें। आप अपनी दवाई नियमित रूप से लेते रहें, बहुत आवश्यकता होने पर ही अस्पताल जाएं। बड़े अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ ना करें और रोजमर्रा की छोटी मोटी तकलीफों के लिए आप अपने फैमिली फिजिशियन की सलाह लें। हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, कफ एटिकेट्स, इन सब के नियमों का बार बार आपने बहुत सारे अपने व्हाट्सएप पे, दूसरे माध्यमों पे, सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे, उनको फॉलो करें। मास्क पहन के रहें। हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास से इस महामारी का मुकाबला सक्षम रूप से करेंगे व इस पर विजय प्राप्त करने के लिए आप सबका पूर्ण सहयोग ही सफलता की कुंजी है। इस कठिन समय में समूचा चिकित्सक जगत, सभी चिकित्सक, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा लेबोरेटरी एंड एंसिलरी स्टाफ आपकी सेवा में है। सारा प्रशासन नए नए तर्कसम्मत व साइंटिफिक एहतियातन कदम उठा रहा है। आप इन सब एडवाइजरीज का पालन करें व प्रशासन के आदेशों का पालन कर इस महामारी के खात्मे को सुनिश्चित करें। आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है, आप अपना व अपने परिवार का पूर्ण ख्याल रखें। हम सभी आईएमए गुड़गांव के सदस्य इस कठिन समय में आप सबके साथ हैं।
जय हिंद, जय आर्य।